मेरे नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे और आज जो मैंने पत्रकार परिषद ली है तो आज पत्रकार परिषद लेने का कारण यही है कि महाराष्ट्र में शक्ति कायदा तो बन चुका है पर जो शक्तियां हैं महाराष्ट्र की महिलाएं, महिलाओं के ऊपर जो आज पुलिस प्रशासन का मंत्रियों के कहने पे, सत्ताधारियों के कहने पे और जो पुलिस प्रशासन का बढ़ता हुआ अत्याचार है उसके ऊपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आई हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों को शुरू करूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ आपको, जैसे कि आज तक मेरी सिस्टर के साथ 2006 में बलात्कार हुआ था, पर मैंने उसने मेरे को बताया घर में, जब मैं प्रेगनेंसी के लिए आई थी इंदौर तो उसने मुझे बताया, पर मैंने अपने पति की बातों का सही मान के और उसको रात को 2 बजे घर से निकाल दिया मार के। मैंने अपने पति का विश्वास किया, अपनी बहन का नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी बहन से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया। फिर जब मैंने देखा 2008 में कि मेरे पति के मोबाइल से मेरी बहन को मैसेज गया है कि तुम मुझे मिलो नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा, तुम्हारी बहन को बता दूंगा, तब मैंने 2008 में मुझे पता पड़ा कि नहीं, मेरा पति ही गलत है और मेरी बहन से जब उसके शारीरिक संबंध हैं, जब मुझे ये बात मालूम पड़ी तो मैंने खुद ने 2008 में जहर खा लिया और इंदौर के CHL हॉस्पिटल में मैं 5 दिन तक भर्ती रही थी। उसके बाद जब मेरी मम्मी को ये बात पता पड़ी, जब मैंने जहर खाया, मेरी मम्मी से ये सब चीज़ें सहन नहीं हुई, तो मेरी छोटी बहन ने मेरी मम्मी को भी बताया और मेरी मम्मी को बताने के बाद मेरी मम्मी को धनंजय मुंडे, जो कि बदकिस्मती से मेरे पति हैं, उसने मेरी मम्मी को इतना त्रास दिया जैसे आज मुझे झूठे केस में जेल में डाला, मेरी बहन को भी झूठे केस में जेल में डाल रखा है। उसी प्रकार से सेम पुलिस वालों का प्रेशर, गुंडों का प्रेशर मेरी मम्मी के ऊपर बनाया, जिससे मेरी मम्मी को सहन नहीं हुआ और मेरी मम्मी को पैसों की भी लालच दी थी उसने, पर पैसों के पीछे मेरी मम्मी नहीं गई, पुलिस वालों से नहीं घबराई, गुंडों से नहीं घबराई, उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने 2008 में 15 दिसंबर 2008 को उन्होंने जहर खाया और उस जहर खाने में धनंजय मुंडे का इतना मेंटली प्रेशर कि उनकी आत्महत्या हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें धनंजय मुंडे की दहशत और डर के कारण छुपाया और मेरे बच्चे जो कि 1-1 साल के गैप में थे, छोटे थे, मैंने हर चीज़ छुपा के अपने पति प्रेम में रह के, अपने बच्चों के मोह में रह के हर चीज़ छुपा के अपनी बहन को गलत वो मान के मैंने अपने पति की इज्जत आज तक बहुत बचाई। इनफैक्ट आपने खुद ने देखा होगा, पूरी मीडिया, पूरा महाराष्ट्र गवाह है कि मुझे जब जेल में भी डाला, आज तक मेरे पति ने मुझे कोर्ट में ये बताया कि मैं लिव इन पार्टनर हूँ उनकी, पर मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, मेरे पास इतने प्रूफ हैं, 25 सालों के 25 प्रूफ हैं कि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, आई एम द लीगल वेडेड वाइफ, पर उसके बावजूद भी आज मैंने मीडिया पे मुंह नहीं खोला है अपना कि मैं पहली हूँ कि 5वीं हूँ कि 25वीं हूँ। उसके बाद भी इतना छुपाने के बावजूद भी अभी मेरे को मेरे पति ने जब जेल में डाला, तब भी जब मैं जेल से बाहर निकली तो हंसते हुए निकली और बाहर निकल के मैंने मीडिया पे यही बोला, नो कमेंट्स। मीडिया, ABP माझा, TV9 जबकि नगर तक मेरे पीछे आए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, पर मेरे पति की इज्जत तब भी मैंने बोला नहीं रखूंगी, मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया और उनकी इज्जत रखी मैंने। इसके बाद अभी मेरे पति ने मेरी बहन का और मेरे पति का क्या था, आज मैं 2008 से मेरी बहन से बात नहीं करती थी। यदि आप लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हो, महाराष्ट्र की जनता को, गवर्नमेंट को, किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो, तो आजकल हर चीज़ गूगल पे होती है। मेरे फ़ोन का निकाला जाए CDR, मेरे पति का निकाला जाए, मेरी बहन का निकाला जाए, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरी बहन जिस बिल्डिंग में रहती थी, उन सबके CCTV फुटेज, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें तो सारा गूगल अपडेट होता है, मेरे घर पे कोई भी आता है कोई भी जाता है सारा गूगल अपडेट होता है। तो आज मेरे उस पर, मेरे गूगल अपडेट पे निकाला जाए कि मेरी बहन मेरे घर पे कितनी बार आई, साल में 2 बार आती थी मुश्किल से, वो भी बर्थडे पे, और अभी 3-4 साल से आना शुरू हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड और उसके जो रिलेशन थे पहले उसके कारण हम दोनों के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, बात नहीं करते थे हम दोनों,
पर वो सब भी जाने दीजिए एक तरफ, मैंने हर बात को छुपाया, अपनी मर्यादा निभाई एक पत्नी धर्म की। पर आज जब मेरे हस्बैंड ने मुझे जेल में डाला, मेरी बहन को जेल में डाला, मेरी माँ का मर्डर करा, मेरे भाई की ये रिपोर्ट है, मेरे भाई को इतना मेंटल ट्रास दिया उसने 2016 में कि उसको ब्रेन हेमरेज आ गया, मैं हर चीज के प्रूफ लेके बैठी हूँ आज, हर चीज के प्रूफ। इतना उसको टेंशन आया कि 2016 में उसको ब्रेन हेमरेज आ गया। इसके बाद अभी भी मेरी बहन को जब जेल में डाला तो मेरे भाई को वापस से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, अटैक टाइप का आ गया था उसको, माइनर अटैक, मेरी भाभी को भर्ती करना पड़ गया। उसके बाद आप देखेंगे तो धनंजय मुंडे जो है आज अपने मंत्री पद का सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो कर रहा है। मैं बोलती हूँ हर करप्शन ठीक है, पर आज यदि इस महाराष्ट्र में शक्ति कायदा है तो शरद पवार जी को, धनंजय मुंडे को लात मार के अपने मंत्री पद से निकालना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं पे एक घर की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है। आज मेरी माँ को मारा उसने, मेरी बहन के साथ बलात्कार करा, मेरे को दो बच्चे पैदा करके आज 25 साल बाद रोड पे छोड़ दिया। आज मेरी छोटी सी बच्ची है वो 6 महीने रह के उसके घर में, मेरे पति उठा के ले गए थे उन दोनों को, मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, कोई पुलिस ने आज तक कोई उस पर ये नहीं लिए एक्शन, जैसे पुलिस वालों को मेरे पति ने खरीद के रखा हुआ, जैसे घर की हो पुलिस इनकी। उसी प्रकार आप देखिए, ये मेरी सिस्टर रेणु ने आज, मैं इस मैटर पे आज भी नहीं बोलने वाली थी, पर मैं जब मेरी सिस्टर से मिलने गई जेल में 3 दिन पहले, तो उसने बोला कि आज अपना कोई भी नहीं है, आज तू भी नहीं बोलेगी, तो वो इसके जरिए उसके पीछे और जितनी लड़कियों का सेक्स रॉकेट है वो सब लड़कियों को इसके जरिए डरा रहा है कि यदि तुम मेरी आवाज खोलोगे तो मैं अपने दो बच्चों की माँ को जेल में डाल सकता हूँ, उसकी बहन को जेल में डाल सकता हूँ, तो कोई मीडिया तुम्हारी नहीं सुन रही है, कोई पुलिस वाला तुम्हारी नहीं सुन रहा, और तुम जेल में जाओगे। ये प्रेशर दूसरी लड़कियों पे भी बनाने के लिए वो ये कर रहा है। तो ठीक है, आज तू जेल में हो क्या, मैं जेल में हो क्या, कोई बात नहीं, पर तू प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और ये सब चीजें तू ले। उसने मुझे अपने मरे हुए मुंह की कसम दी, इसलिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ कि ठीक है, पति के नाम का तो मैंने पानी और पिंडदान छोड़ दिया कि नहीं चाहिए ऐसा अय्याश, ऐसा औरत बाजपति मुझे। आरोप नहीं, मेरे पास हर चीज के प्रूफ है। हाँ, बहुत सारी लड़कियों के साथ उनके नाजायज संबंध हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं बट, और मेरे पास सबके साथ, जैसे कि भाव ने बोला कि आप गंभीर आरोप, तो आरोप नहीं, ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ। पर आज मेरे पास मेरी बहन के भी फोटो वीडियो हैं, पर उसमें मेरा पति नंगा है तो मेरी बहन भी नंगी है, इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आज मेरी बहन को मेरे पति ने अपने सेक्स का क्या बोलते हैं उसको, जाल में फंसा के आज उसको 40 साल का कर दिया। आज एक घर में उसने एक औरत को मार दिया, एक बहन को 40 साल का कर दिया, एक को 42 साल का कर दिया। कहाँ जा रहा है महाराष्ट्र? शिवाजी महाराज का गला फाड़ फाड़ के नाम लेके राजकरण करने वाले ये लोग किस मुंह से शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं? शिवाजी महाराज तो महिलाओं की इज्जत के लिए चले थे, महिलाओं की इज्जत आबरू बचाने चले थे। और आज यहाँ पे शक्ति कायदा, सुप्रिया ताई ने भी 2 दिन पहले बोला, थोड़े दिन पहले, कि जो व्यक्ति महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगा मैं उसका हाथ काट दूंगी। तो मैं सुप्रिया ताई से हाथ जोड़ के पैर पड़ के, मेरी बहन भी 8-9 महीने से सुप्रिया ताई को कंटिन्यू मैसेज कर रही है कि उसको न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, पर सुप्रिया ताई ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आज तक उसको। वो पूरे चैट है मेरे पास भी, मैं हाथ जोड़ के सुप्रिया ताई से पैर पड़ के, वो भी एक महिला है और एक बच्ची की माँ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के करती हूँ विनती, हाथ मत काटिए आप धनंजय मुंडे के, बस उसको मंत्री पद से निकाल दीजिए लात मार के। इसलिए मैं आपको ये प्रूफ के साथ लेकर आई हूँ। ये रेणु शर्मा भी, जो उसने मुझे बताया जेल में कि वो उसके ये जो सेक्स का रेप केस जो था, उसका जो सेक्सुअली हरासमेंट 2006 से उसने करा, 2006 में भी मैंने उसका साथ नहीं दिया, इसके पहले आप देखिए 2021 में जब उसने रेप केस लगाया था तब भी मैंने मीडिया पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक तरफ मेरी बहन है तो दूसरी तरफ मेरा पति है, किस मुंह से मैं किसका साथ दूं, इसलिए मैंने अपने आप को शांत रखा, चुप रखा। पर जब आज
मेरे को और मेरी बहन को टारगेट करके जेल में डाल के आज दूसरी लड़कियों को भी चुप और शांत किया जा रहा है। दूसरी लड़कियों के पास भी मेरे पास भी फोन आ रहे हैं कि हमको खोलना है। मेरे पास सब चीज की बकायदा चैट है उन लड़कियों के नंबर के साथ। मैं कोई भी चीज ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी। भगवान कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ये पेपर के माध्यम से ये भगवान मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पास हर चीज पेपर पे है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 9 तारीख का ट्वीट है रेणु का, 9/4/2022 का। उसने क्लियर लिखा है कि जिन पुलिस वालों के प्रेशर से और धनंजय मुंडे के कहने से जो जो रिकॉर्डिंग उसके पास है वो वायरल करने वाली है और धनंजय मुंडे का रेप केस वापस खोलने वाली है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। जनता का पैसा, करोड़ों रुपया, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ कैसे वेस्ट करा जाता है, वो तो जब रेणु निकलेगी तब ही वो बताएगी, क्योंकि उसके पास प्रूफ है। मेरे पास जितने प्रूफ है मैं उतनी ही बात आज यहाँ पे करूंगी। तो सबसे पहला प्रूफ मैं आपको ये दे रही हूँ कि 9 तारीख को उसने ट्वीट किया है कि मैं पुलिस वालों का भांडा फोड़ूंगी और धनंजय मुंडे का भांडा फोड़ूंगी और मैं धनंजय मुंडे का केस वापस से रीओपन करूंगी। तो ये केस न, और ये फिर ये यहाँ के ही मुंबई मराठी पत्रकार संघ का ये है, उसने मेरे द्वारा ही बुक करवाया था। 27 तारीख की उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक करवाई थी। तो ये सब चीजें जब धनंजय मुंडे को मालूम पड़ी कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, तो जैसा कि सबको मालूम है कि मैं भी परली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गई थी, तो मेरी गाड़ी में वेपन डालते हुए 307 एट्रासिटी और वेपन वो सब मेरे ऊपर केस झूठे कर दिए, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। ये भी मेरी बहन के ऊपर खंडनी का केस झूठा कर दिया। आज आप लोग एक बात बताइए, मेरी बहन 13 साल की थी जब मेरे हस्बैंड हमारे घर में आते थे। पहली बार जब हमारा अफेयर हुआ मैं 16 साल की थी और मेरी बहन 13 साल की थी। बेटी बोलते थे उसको, उसके सर पे हाथ रख के कि ये मेरी बेटी है और इसका मैं कन्यादान करूंगा और बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म करने वाला। इन नेताओं के लिए ना बेटी बीबी सब एक समान है। कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे भांडे मुझे फोड़ना है, पर आज मैं सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करूंगी। दूसरी बात यह कि यदि मेरी अभी जो आयो ऑफिसर है वो मेरी सिस्टर का निकाल के लाए कि वो इससे बात करती थी, उससे बात करती थी, है ना। राष्ट्रवादी के एक और नेता मेरी बहन से बात करते थे, तो मैं खुला चैलेंज देती हूँ, मेरी बहन किस नेता से बात करती थी वो लाकर दे, है ना, लाकर दे। ठीक है, एक से बदनाम हुई, 50 से बदनाम हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। धनंजय मुंडे ने उसको ब्लैकमेलर बना दिया है, मुझे लिव इन पार्टनर बना दिया पहली पत्नी को, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो आज मैं यही बोलूंगी वो आयो ऑफिसर को इस मीडिया के माध्यम से कि लाके दे मुझे वो कौन सा एनसीपी का नेता है किसको मेरी बहन ब्लैकमेल करती थी। और दूसरी बात, आयो ऑफिसर को मैं कंप्लेंट देने गई तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। अभी सीबीआई की मैं आपको पहले बताऊंगी। सीबीआई के जब मेरी बहन ने केस करा था तब मेरे को बहुत गुस्सा आया था अंदर से, तो मैंने सीबीआई में ये कंप्लेंट की थी 5/9/21 को मैंने ये कंप्लेंट की थी कि मेरी बहन गलत है तो उसको सजा दी जाए, उसने केस पीछे क्यों लिया, और यदि मेरा पति गलत है तो उसको सजा दी जाए, ये केस की पूरी सीबीआई चौकसी हो, ये प्रूव है इसका। पर आज तक सीबीआई ने, आज 9-10 महीने होने जा रहे, सीबीआई ने इस पर कोई काम नहीं करा। मेरे को नहीं मालूम क्यों, सीबीआई भी धनंजय मुंडे के कहने से चलती है। अभी ये कंप्लेंट में मेरे पति के 11 नंबर है, 9 नंबर और एक ईमेल आईडी। मैं एक साधारण औरत हूँ, धनंजय मुंडे की पत्नी, मेरा एक ही नंबर है। धनंजय मुंडे की जो दूसरी पत्नी राशि थी उसी का भी एक नंबर है 25 साल से, मेरा भी एक ही नंबर है 25 साल से। पर धनंजय मुंडे जो है वो ये 10 नंबरों से बात करता है और मेल आईडी से बात करता है। देखिए आप, एक वेश्या के भी 10 नंबर नहीं होते हैं, एकदम शुद्ध शब्दों में मैं कहूंगी जो धनंजय मुंडे ने मेरी बहन को और मेरे को करा है। इसलिए मैं अभी यही लैंग्वेज यूज करूंगी कि एक वेश्या के भी 10 नंबर नहीं होते और धनंजय मुंडे ये 10 नंबरों से किन से बात करता है। व्हाट्सएप कॉलिंग पूरा रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे का रिकॉर्ड निकाला जाए, नहीं तो वो भी मैं दे दूंगी। ये कंप्लेंट करी है मैंने, मैं आयो ऑफिसर के पास लेके गई तो उन्होंने बोला हम नहीं ले सकते। चौकसी कर रहे ना आप, तो करिए आप, क्यों नहीं कर रहे, मेरे पति की कर रहे, मेरी बहन की कर रहे, तो पति की क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ये हो गया, ये कंप्लेंट मैंने फिर सीपी ऑफिस पे दी, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। इसके अलावा
ये मेरी माँ का, जैसे मैंने भाई का बताया, भाई का ब्रेन हेमरेज हो चुका है धनंजय मुंडे के कारण। ये मेरी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेरे पति के दहशत में आके जहर खाया था। उसके बाद अभी मैं जब वहाँ पे गई थी, उत्तर कोल्हापुर में मैं खड़ी गई हुई थी, मेरी जान पे हमला हुआ था। एक धनंजय मुंडे ने एक व्यक्ति को भेजा था भगवान नाम के, उसने मेरे ऊपर हमला करा था, मेरी गाड़ी में घुस के मेरे को मारने वाला था। मेरे लोगों ने पकड़ के उसको बाहर निकाला, मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, आज तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी वही कंप्लेंट है। इसके अलावा मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई थी, ये कंप्लेंट मैंने पूना में एक साल पहले करी थी। मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग, पूरी जो सेक्स रैकेट की टीम है, उन लोगों ने ये सब करा था मेरे साथ, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पुलिस वालों ने जो मेरे ऊपर झूठा वेपन रखा था, ये पुलिस वालों पे पूरे महाराष्ट्र में मैंने कंप्लेंट की हुई है, इस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये नंबर निकालने की हर जगह से मैंने करा हुआ। ये धनंजय मुंडे लोगों की जमीनें खाता फिरता। अभी मैं भूमाफिया का भी निकालने वाली हूँ, धनंजय मुंडे का बहुत बड़ा रॉकेट, और वो सब जिनकी जमीनें खाई है वो आएंगे। ये देखिए मरे हुए व्यक्ति की, धनंजय मुंडे कितना सही, कितना सच्चा इंसान है। 90 न्यूज़ का है, पत्रकार लोगों का है, मेरा नहीं है। 1998 मध्ये मेलेल्या माणसाने 2010 मध्ये धनंजय मुंडेच्या नावावर जमीन केली। ऐसे सब धंधे मंत्री पद पे बैठ के चल रहे हैं। अभी मैं इसमें आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि धनंजय मुंडे ने सेमे जो पुलिस से करा है कोर्ट में, उसमें उन्होंने क्या लिख के दिया है कि 2004 से मैं उनकी लिव इन पार्टनर हूँ। हाई कोर्ट में लिख के दिया 98 से मैं उनकी लिव इन पार्टनर हूँ। और दो, अभी हम से की ही बात करेंगे जो कोर्ट में से पेश करा है उन्होंने, तो उनने लिखा 2004 से मैं उनकी लिव इन पार्टनर हूँ, मजबूरी है उनकी, क्योंकि 2005 में मुझे बच्चा पैदा हुआ है, तो 2004 तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी, 2004 से यदि मैं लिव इन पार्टनर हूँ, तो ये ऑथेंटिक पेपर है मेरा, आप देखिए, ये करुणा धनंजय मुंडे के नाम की रजिस्ट्री है। तो एक कचड़ा साफ करने वाला होगा ना, वो भी यदि उसकी लिव इन पार्टनर होगी ना, तो वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती। और 2004 में मैं लिव इन पार्टनर बनी और मैंने मकान पहले ही खरीद लिया, ये सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। हाँ, ऑब्वियसली एनसीपी, एनसीपी ही है ना। आज शक्ति कायदा तो बना दिया है उद्धव ठाकरे जी ने, मैं तो यही बोलूंगा, उद्धव ठाकरे जी से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आपने शक्ति कायदा बनाया है तो आप उस पर अमल कीजिए। सुप्रिया ताई एक महिला है, खुद एक बेटी की माँ है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए इन चीजों पे। क्या कर रहा है उनका ये मंत्री? क्या आज मैं शरद पवार जी की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनको पार्टी किसी ने परोसी नहीं है, उनकी मेहनत से उन्होंने वो पार्टी बनाई है, और मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, कि आज उनके जैसा दिग्गज नेता कोई पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। पर मैं इस वक्त पे, इस जगह पे उनको बहुत लाचार पाती हूँ, जब वो ऐसे व्यक्ति को अपने पक्ष में बिठा के रखते हैं, और वो भी इतने बड़े अहदे पे। वो क्या लिख के दे रहा हाई कोर्ट में? क्या ये पेपर है? ये ऑथेंटिक पेपर में दे रही हूँ। उसके बाद धनंजय मुंडे ने एक बहुत मुझे धक्का लगा इस बात का कि धनंजय मुंडे ने सेमे लिख के दिया है, और पिछले बार भी उनने लिख के दिया था, ये मेरी बहन के रेप केस के टाइम पे, कि मैं और मेरे घर वाले, हम लोगों का रवैया 2019 के बाद बदल गया जब वो मंत्री बना। अब आप एक बात बताइए, धनंजय मुंडे मंत्री 2019 में बना, पर मंत्री से बड़ा पद उनके पास अपोजिशन लीडर का था, और आज तक मेरे घर के लोगों ने एक गिलास पानी नहीं पिया। सिर्फ एक बार मेरे भाई को वो JW मेरियट में खाना खिलाने ले गए थे, बस एक बार, 25 सालों के रिकॉर्ड में। हम लोग पार्टी भी देते थे साल में 3 बार 5-स्टार होटलों में, मेरे बच्चों के बर्थडे की, मेरे हस्बैंड की बर्थडे की, हर साल नियम है हमारा। पर आप देखेंगे मेरे भाई बहन कभी नहीं आते थे, क्योंकि बहुत खुददार फैमिली से हूँ मैं, और हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। निकाले धनंजय मुंडे मंत्री है ना, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले, मेरे बाप दादा के दादा का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आज तक हम लोग पुलिस की दहलीज पे नहीं चढ़े, और धनंजय मुंडे 25 FIR है उसके पास, मेरे पास खुद की रिकॉर्डिंग है उसके पास उसकी, कि FIR नहीं होगी तो मंत्री कैसे बनेंगे। हाँ,
मेरी बेटी भी आने वाली थी पर वो ही धमकियां चालू है भयंकर तरीके से, मेरे को भी भयंकर धमकियां चालू है। अभी वो लेटर भी मैं नहीं लाई हूँ, मेरे FB पे डला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे को भी गंदी गंदी धमकियां कि तुम्हारे वीडियो बनाएंगे, एडिटिंग चालू है। एक पत्रकार ने इनफैक्ट मुझे बताया फोन करके कि ताई साहब आपके वीडियो की एडिटिंग चालू है और आपके गंदे गंदे फोटो बनाए जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, पत्नी तो मैं धनंजय मुंडे की हूँ, लोग तो यही बोलेंगे ना धनंजय मुंडे की पत्नी कर रही है, जो कर रही है धनंजय मुंडे की पत्नी कर रही है। मैं तो हूँ करुणा धनंजय मुंडे, चुनाव आयोग ने मेरा पर्चा एक्सेप्ट करा है, पर्चा मेरा करुणा धनंजय मुंडे के नाम से एक्सेप्ट हुआ है, तो मतलब मैं करुणा धनंजय मुंडे हूँ। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज पे करुणा धनंजय मुंडे, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी भी आने वाली थी। हाँ, अब देखिए मैं ये तो नहीं बोल सकती क्लियर, पर पूरी ही NCP होगी, क्योंकि देखिए पूरी पार्टी ही बचाती है तो ही आदमी बच पाता है। 25 साल मैंने भी राजकारण अपने घर में देखा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उद्देश्य मेरा यही है कि मंत्री पद का गैर वापर करके मेरे हस्बैंड पूरी पुलिस फोर्स को सिर्फ किसी काम में नहीं लगे हैं। आज ये गरीब लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, पर ये इन लोगों के कहने पे मेरे हस्बैंड ने रात को 12 बजे ये कंप्लेंट की थी मेरी सिस्टर के लिए। 12 बजे सुबेरे पुलिस वाले CBI मेरी बहन को उठा के लेके आ गई। मतलब 18 घंटे में इतनी क्विक सर्विस पुलिस वालों की, 18 घंटे में पुलिस इंदौर से उठा लाती है, इतनी क्विक सर्विस। और मैं जो यदि CBI को ये कंप्लेंट देती हूँ तो आज 9 महीने हो गए CBI के तरफ से कोई लेटर तक नहीं आया मुझे। हाँ, पुलिस ने कोटा में स्पष्टीकरण देने का है। हाँ, कि जवाहर धनंजय मुंडे ने तत्काल दाखल की थी कि पासपोर्टिंग से खंडनी रेणु शर्मा यांनी मागितल्याचा आरोप त्यांनी केला होता। आम्ही पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार की 3 लाख रुपये धनंजय मुंडे यांनी त्यांना दिलेले आहे, त्याशिवाय 1.5 लाख रुपयाचा मोबाईलही दिला होता। त्यात कितपत तथ्य आहे तुमच्या माहितीमध्ये काय? ये एक बात देखिए, ये कितना तथ्य है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तो नहीं रहती मेरी बहन के साथ। पर एक बात मैं आपको बताऊंगी, आज मैं मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा पिछले 12 महीने से चल रहा है। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, मेरे बैंक की किस्तें तक नहीं भराई जा रही है। अभी मेरे नीलामी पे आ गया था मेरा घर, तो मैं अपनी ज्वेलरी बेच के थोड़ा पैसा उसमें भर के आई। अब आप इसमें देखिए कि मेरे पति क्यों 3 लाख रुपए दिए, और जो आपने 3 लाख रुपए दिए क्यों, पहली बात तो मेरे को बताते कि पम्मी तेरी बहन ऐसे पैसे मांग रही है, या पुलिस में तब क्यों नहीं कंप्लेन करी। और उन्होंने पुलिस से हमें यह भी लिख के दिया, बार बार वो एक आदमी के हाथ मेरी सिस्टर को पैसे पहुंचाते हैं, तो क्यों पहुंचाते हैं, क्या कारण है, किस चीज के लिए। आज मैं ये अंकल को भी बोलूंगी ना, इतने साधारण है एकदम गरीबगार, पर मैं इनको भी बोलूंगी ना अंकल मेरे को 3 लाख पहुंचा दो, तो मेरे को आके मेरे घर पे जूते मारेंगे 50 आदमियों के साथ। आज उसने कंप्लेंट लिखवाई तब क्यों नहीं लिखवाई, 3 लाख रुपए क्यों पहुंचा, 1,45,000 का मोबाइल मेरे पास खुद के पास, इतना सड़ा सा मोबाइल है सैमसंग का, पत्नी के पास जो 2 बच्चों की माँ है तेरे, उसके पास 10,000 का सैमसंग का मोबाइल, और जो तेरी साली है उसको तू 1,45,000 का मोबाइल पहुंचाता है, और एक पहुंचाए के 25 पहुंचाए, ये तो वो बाहर आके बताएगी, मैं नहीं बता सकती। नहीं, ये इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग लूंगी, ये आज सिर्फ मेरे बहन की और मेरी ही, ये बहन की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सरकार कैसे करेगी अपनी बहन की, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रकरण कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट ने अभी बोला है कि अभी जो सुनवाई शुरू है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू है, तो उसको कहीं बाधा ना पहुंचे इसलिए उनको बेल नहीं दी गई, तो अभी सरकार कैसे उनको। एक बात बताइए, CBI जो है पुलिस ऑफिसर इंदौर जाके पूरा लॉकर चेक करके आ गए, सब कुछ चेक करके आ गए, ऑलरेडी 1.5 महीने से उसको जेल में रखा हुआ है, तो अब क्या चौकसी करनी है। और खंडनी के केस में आपको मालूम है ऑन द स्पॉट बेल होती है, जबकि अभी तक नहीं हुई है, फिर भी मुझे न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि आज नहीं हुई है तो कल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि 1,45,000 का जो मोबाइल मेरे पति ने मेरी बहन को दिया, उसकी उन्होंने इनकम टैक्स में जानकारी दी है और नहीं दी है, तो वो खुद सरकार के चोर हैं। और 3 लाख रुपए उन्होंने बताया है सेम है कि वो आंगड़िया से दिए उन्होंने, तो मंत्री हो के, सामाजिक न्याय मंत्री हो के, आपके और हमारे जैसे साधारण लोग भी ये यूज नहीं कर सकते,
आंगड़िया वगैरह, और सामाजिक न्याय मंत्री होकर धनंजय मुंडे आंगड़िया यूज करता है और बकायदा हाईकोर्ट में लिख के दे देता है कि मैं आंगड़िया यूज करता हूँ। हाउ कैन यू से लाइक दिस, कैसे कह सकता है वो ऐसा? मतलब कोई कायदा, कोई कानून कुछ भी नहीं है आज। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने कोर्ट में एक बात लिख के दी है कि मैं भी उनसे बड़े बड़े पैसों की डिमांड करती हूँ। तो आज आप एक बात बताइए, 25 साल में धनंजय मुंडे की पत्नी होने के बावजूद मेरे पास 5.5 करोड़ का, मैं हमेशा बताती हूँ ये बात, मैंने अपने लाइव में भी बताया, अपने चुनाव आयोग में भी बताया, 5.5 करोड़ का एक मकान है जिसपे 2.5 करोड़ का कर्जा है जो कि मेरे नाम पे, कोई भी पत्नी अपने नाम पे कर्जा नहीं लेगी। और जब मैंने फ्लैट लिया था आज से 4 साल पहले, तब मेरे पति के और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, एकदम हेल्दी रिश्ते थे, पर फिर भी मैंने अपने सर पे कर्जा लिया। यदि मैं ऐसा कुछ डिमांड करती हूँ उनसे तो कभी अपने नाम पे कर्जा नहीं लेती। उसके बाद मेरी ज्वेलरी गिरवे रखी थी, आप ये सब देख सकते हैं, ये इत्तेफाक से ये पेपर मेरे पास हैं, इत्तेफाक से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि भगवान को मालूम था कि इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आज आप देखिए, ये गोल्ड लोन के पेपर हैं। आज यदि मैं ऐसी होती या पैसे की डिमांड करने वाली होती, और इसके अलावा ये सब मेरे लोन के पेपर हैं, मेरी आज पॉलिसियों पे लोन है, मेरे गोल्ड पे लोन है, सब पे लोन है, और उसके बावजूद मेरे पति बोलते हैं कि हम ऐसी डिमांड करते हैं उनसे। इनफैक्ट मैं खुद भी अभी CBI की चौकसी की मांग करने वाली हूँ, पूरे मेरी माँ के मौत से लेकर सारी चौकसी हो। इसके अलावा मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते थे, एक पत्नी होने के नाते मुझे वो जब भी पैसे देते थे तो मैं दूसरी औरतों की तरह खर्च नहीं करती थी, उनको जमा करके रखती थी, और जमा कर करके मैंने ये फ्लैट लिया, इंदौर में एक मेरी प्रॉपर्टी है वो ली। उसके अलावा आप देखेंगे, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, और भी मेरे बैंक स्टेटमेंट है, अभी इसमें इतने सारे पेपर में मैं दिख नहीं रहे मुझे वो, बाकी और भी हैं, मैं मीडिया वालों को सारे दे सकती हूँ। 2014 में भी मैंने 1 करोड़ रुपए मेरे पति को दिए थे, मेरी प्रॉपर्टी बेच बेच के मैंने अपने पति को पैसा दिया है, और ये भी उनके PA के अकाउंट में, शिवा साखरे नाम का था, उसके अकाउंट में 15 लाख की एंट्री है। 35 लाख रुपए 2016 में अभी 2016 में मैंने उनके दोस्त राज घनवट के अकाउंट में डाले। जो ब्लैकमेल करने वाला होता है या पैसों के नाम पे, और आज मंत्री बना है पर इसके पहले अपोजिशन लीडर था, 1 साइन से करोड़ों रुपए धनंजय मुंडे के बंगले पे आते थे, मैंने खुद ने देखा। मेरे हस्बैंड खुद 10-10 करोड़ रुपए घर पे लाते थे, पर मैं यही डर के मारे मना करती थी कि घर में रखना ही नहीं है मुझे। अभी मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, अभी मैं अपना जो ज्वेलरी वगैरह है मेरे पास वही बेच बेच के अपना चला रही हूँ। अभी मैंने बहुत नेताओं से मिलने की कोशिश करी, पर देखिए सबकी सीढ़ियाँ एक्सचेंज है, इसकी सीढ़ी उसके पास, उसकी सीढ़ी इसके पास। 25 साल में यही देख रही हूँ, 25 साल मैंने घर में यही देखा है मेरे। 25 साल क्योंकि मेरे पति अच्छे से थे ना, मेरे साथ अच्छे से रहते थे। हाँ, अचानक से उन्होंने मेरे को एकदम रोड पे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे ढकेल दिया जिस समुद्र में, तो मुझे, और अभी भी देखिए ना, मेरे को तो सबके बारे में सब कुछ मालूम है। मेरे पास मेरे हस्बैंड का, मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी CD DVD हैं खुद के पास भी, कि चला दूं तो पूरा महाराष्ट्र हिल सकता है, मुंह खोल भी दूं तो। पर मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि आज मैं खुद भी राजकारण में आ गई हूं, और मेरे को किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सबकी इज्जत जानती हूं, मेरा किसी पक्ष किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। पति के लिए भी आज तक चुप थी, पर आज इसलिए मुंह खोलना पड़ रहा है कि जो पीछे और लड़कियां खोलने वाली हैं वो डरे नहीं। सिर्फ इसी उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हूं कि जो और लड़कियां अभी लाइन में हैं, मेरे पास उनका चैट है। मतलब जिनका मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, ऐसी 3 लड़कियां तो और है मेरे अलावा, वो राजश्री मुंडे के अलावा और मेरी बहन के अलावा, ऐसी 3 लड़कियां और हैं जिनका मैं प्रूफ दे सकती हूँ वीडियो और फोटो के साथ। पर इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँ, बोलते हैं तो मैं और मेरी फैमिली ब्लैकमेलर नहीं है, उसकी जो उधर वाली पत्नी है राजश्री धनंजय मुंडे वो ब्लैकमेलर है। क्यों? क्योंकि उसने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो तो एकदम गरीब घर से आई हुई है, पर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, तो वो ब्लैकमेलर है, मैं ब्लैक। आज 4 साल में और उसके ऊपर 2.5 करोड़ का लोन है, और बाकी के मेरे हस्बैंड ने उनके दोस्तों के अकाउंट से ही पैसे डलवाते थे, वो क्या घपला करते रहते थे मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आता था।
तो ये सारा एकदम क्लिस्टर एंड क्लियर है। क्योंकि देखिए यदि मैं ब्लैकमेलर होती तो मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती, राइट, व्हाइट में या ब्लैक में होती, ठीक। पर मेरे पास जो है वो मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया है कि 5.5 करोड़ का यहाँ का फ्लैट है, उसमें 2 करोड़ उसके अकाउंट से आए, उसके दोस्त के अकाउंट से, उसके अलावा जो 2.5 करोड़ है उसका लोन है बकायदा। ये रहे पेपर, पूरा पेपर पे चल रही हूँ, कुछ भी ऐसे वर्बली नहीं है। वही भरते थे ना लोन, तो मेरे पति भरते थे, उनके दोस्तों के अकाउंट से इधर उधर से करके वही करते थे, वही लोन भरते हैं, अभी भी वही भरते हैं। वो नहीं भर रहे तो अभी मेरे वो हो गई, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी बहन को 3 लाख रुपए दे रहे हैं, और वो तो कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं वो तो अभी खुलना बाकी है। वो जिस दिन जेल से निकलेगी वो तो पूरा भांडा फूटेगा कि कितने कितने क्या 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 हो रहा है। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास जब तक पेपर प्रूफ नहीं होता मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास आज पॉलिटिकल पावर नहीं है जो मैं आज कुछ भी बर्बली बोलूं और लोगों को गुमराह करूं या मीडिया को गुमराह करूं। मेरे पास जो पेपर थे उतनी ही बात मैंने बताई, और आज मेरा सिर्फ यही कहना था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कि मेरी शरद पवार जी से हाथ जोड़ के इस मीडिया के माध्यम से, अभी मैंने शरद पवार जी को भी थोड़े दिन पहले लेटर भेजा था कि मेरी माँ की मौत, ये सब जो बातें मैंने आज बताई है ये सारी बातें मैंने शरद पवार जी को भी लिख के भेजी, और मैंने उनसे अनुरोध करवाया था अपने पीए के माध्यम से कि जो भी है आप धनंजय मुंडे को बुला के आप प्यार से समझाइए। तो उन्होंने बोला नहीं हम इस मैटर में नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने बोला ठीक है फिर हम मीडिया का माध्यम लेंगे, क्योंकि जो है सच्चाई आज, क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्री जो पद है, और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई लोग हैं धनंजय मुंडे ने जिनको जेल में डाल रखा है झूठे केस में। एक तो मैं हूँ, मेरी बहन है, एक बबन गित्ते करके थे परली के, अच्छा है जाता है सबूत तो जाता रहे, एक बबन गित्ते थे परली के, धनंजय मुंडे को जिताने में सबसे बड़ा हाथ उनका था, पर उसको भी झूठे केस में वेपन उनके घर में रखवा, उसकी तो मैं स्वयं साक्षीदार हूँ, मेरे सामने फोन पे सारी बातें हुई थी मेरे पति की, मैं स्वयं साक्षीदार हूँ। तो वो बबन गित्ते को भी मेरे पति ने झूठे केस में जेल में डाला, तो ऐसे मंत्री पद का इतना दुरुपयोग। तो मैं शरद पवार जी से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी, मुझे उनके पक्ष से उनके उनसे मेरे को कोई वो नहीं है, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं उनके बियॉन्ड जाऊं या मैं उनकी पार्टी को कोई लेपछेप लगाऊं, कई ऐसी चीजें हैं मेरे पास, मैं खोल भी सकती हूं, पर मेरे को किसी व्यक्ति विशेष किसी पक्ष विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी जो जितना सत्य था आज, क्योंकि ये ऐसे लोग बैठे रहेंगे मंत्रिमंडल में तो मेरे जैसे, अरे आज जो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहा है, अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहा है, किसको छोड़ेगा? अरे मेरी बहन बेटी की उम्र की है उसकी, और बेटी की उम्र की लड़की के साथ आज 15 साल सेक्स करने के बाद, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद 40 साल की कर दी उसको, आज कौन शादी करेगा उससे, बताइए आप लोग आज। और आज ऐसे लोगों को हमारे लोग चुनके देंगे, ऐसे लोगों को हमारे महाराष्ट्र की जनता मंत्री बनाएगी। आज उसकी वहां वाली बीबी जो है वो भी कुछ नहीं बोलती, आज मेरी बच्ची को उठा के ले गया वो, अकेले यहाँ बंगले में पटक के रखा, पर उसकी वहां की औरत ने कुछ नहीं बोला। मैं रात रात भर बंगले पे जाके बैठती थी, पुलिस वाले बाहर 40-40 पुलिस मेरे पास खड़ी रहती थी, क्या पूरे पुलिस सिस्टम को धनंजय मुंडे ने काम पे लगा रखा है क्या? पुलिस सिस्टम लोगों की सेवा के लिए है कि धनंजय मुंडे जैसे 2 कोड़ी के मंत्रियों के लिए है? ऐसे भ्रष्टाचार करप्ट और कैरेक्टरलेस मंत्रियों की सेवा करने के लिए क्या पुलिस सिस्टम? और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं पुलिस वालों की दूंगी। मैं जब पहली बार पुलिस के दरवाजे नहीं गई, पर जब पहली बार जाने की बारी आई तो पुलिस एक पुलिस ऑफिसर है यहाँ की रासम मैडम, उन्होंने मेरे को क्या क्या समझाया 15 मिनट, वो मुझे क्या समझा रही थी फोन करके कि मैं पति के लिए नहीं करूं कंप्लेंट, वो मैं रिकॉर्डिंग दूंगी, अभी मैं लाना भूल गई थी। उन्होंने उसके पहले भी उसने कंप्लेंट करके बताया था कि उन्होंने उसके गंदे गंदे वीडियो बना रखे थे, और जो कि वाकई मेरे हस्बैंड की आदत है। मैं तो बोल रही हूँ ना, ये जो निकल जाएगा ना 11 नंबर का DCR और व्हाट्सएप चैट आप लोग निकाल लीजिए पूरी, और सिस्टम निकाले पूरा, पवार साहब निकाले, बीजेपी निकाले, जिसकी ताकत हो ये 11 नंबर का DCR रात को 12 से लेके सुबह 5 बजे तक का निकाल ले, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों गप थे ना,
वो मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात, मेरी बहन इसलिए भी चुप थी क्योंकि मैंने 2006 में जब पहली बार उसने मुझे ये बात बोली थी तो रात को 2 बजे मैंने उसको अपने घर से मार के निकाल दिया था कि मेरे को मेरा घर प्यारा है। उसके बाद 2021 में भी जब उसने उसके ऊपर केस लगाया तब भी मैंने, आपने पूरी मीडिया ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था उस बात पे। क्यों? क्योंकि मेरा पति गलत है कि मेरी बहन गलत है? गलत तो दोनों ही है ना, गलत तो दोनों ही है। हालांकि मेरी बहन ने मुझे बताया था, मेरे को उसका साथ देना था उस टाइम, पर मैंने नहीं दिया, तो गलत मैं भी थी, तो किस मुंह से मैं मुंह खोलती। तो इसलिए आज जो हुआ है, ये धनंजय मुंडे को वीडियो रिकॉर्डिंग करने की आदत है लड़कियों की, और भी लड़कियां जो हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये भी अनुरोध करूंगी कि डरे नहीं, मरना है तो लड़ते लड़ते मरे। जेल में कोई बुरा नहीं होता, खाना मिलता है टाइम टू टाइम, कुछ वो नहीं है। मैं तो होकर आई हूँ जेल में, मेरी बहन भी पड़ी है जेल में। और जो लड़कियों को प्रेशर बनाने के लिए कि वो लड़कियां ऊपर ना आ जाएं, उसके लिए, और आज वो लड़कियों के भी मेरे पास फोटो वीडियो सब हैं, मैं चाहूं तो वो भी दे सकती हूं, पर मैं इसलिए नहीं दे रही हूं कि जैसे मेरी बहन की मेरे लिए इज्जत प्यारी है, वैसे वो लड़कियों की भी इज्जत प्यारी, क्योंकि सब 22 साल की हैं और मेरे पति 50 साल के हैं। अब आप लोग समझ लीजिए। ये इन लोगों का भी कुछ मैटर था। हाँ जी, कोर्ट में जाऊंगी। हाँ, कोर्ट में मैं जाऊंगी। अभी तक तो मैं नहीं गई। अभी मैंने 3 पिटीशन डाल रखे उनके लिए कि एक तो उनका पद जाए, ऐसे लोगों को बैठना नहीं चाहिए। 3 महीने पहले डाले मैंने, पर आपको मालूम है कि स्लो एंड स्टडी रहता है सब। और दूसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने जो मेरे पर पहली बार केस किया था कि मेरे को कोर्ट से सब बोलने की बंदी है, मैं अपने पति के बारे में, मैं उनकी पत्नी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कुछ मीडिया पे बोल नहीं सकती, तो उसकी भी बंदी जो है, तो एक तो वो ऑर्डर सेटिसाइड करने का मैंने केस लगा रखा है, दूसरा मेरे पति को मंत्री पद पे से हटा दिया जाए, ऐसे करप्ट लोगों की जरूरत नहीं है, और तीसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने जो केस किया है वो फर्जूरी का, कि कोर्ट में कितना झूठ लिख के दिया उन्होंने, वो हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारे जज महोदय को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, वो पूरा प्रूफ के साथ मैंने केस किया हुआ। आप लीजिए आरोप है विरोधी पक्ष का बोलत नहीं, का टिप्पणी करत नहीं, कि का तो विषय लाऊं देत। मैंने बोला ना, सबकी सीढ़ियां एक्सचेंज है, मैं तो इतना ही बोलूंगी, नहीं तो बोलना चाहिए। आज मेरा जो मुद्दा है, पूरा सरकार की सरकार गिर जाए, ऐसा मुद्दा है मेरा। एक घर में चार चार औरतों की जिंदगी बर्बाद करना, क्या मान रहे हैं आप इस बात को? मामूली है क्या ये? आज मेरी छोटी बच्ची है 16 साल की, आज उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है इन बातों का? मेरा बेटा है, आज वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मर्डर की धमकियां दी जा रही है हम लोगों को कि तुम लोग का मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे नंगे नंगे फोटो वायरल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे जिसको जो करना करे, करे तो सही, क्या करता है? मैं तो पूरे महाराष्ट्र में अकेली खुद की गाड़ी खुद चला के घूमती हूँ, क्या करना है उसको करे, मैं तो बोलती हूँ। मैं तो अब किसी से नहीं डरती, मैं तो अभी जिंदा लाश की तरह हूँ। लाश से लोग डरते हैं, लाश किसी से नहीं डरती, मैं तो बस इतनी बात जानती हूँ। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आ गई कि ठीक है, अब पति कोई नहीं, बहन कोई नहीं, जो है सबका। और जो दूसरी लड़कियां लाइन में है उनको भी मैं हिम्मत दे रही हूँ, और वो लोग यदि केस खोलना चाहे तो खोले, मैं पूरा पूरा मेरा पाठिंबा उनको है। आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो। कौन कौन सी बोली आपने? हाँ, झूठी उन्होंने ये सब जान के, जो उन्होंने मेरे पे आर्डर लाया है कि मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकती कि हमारी शादी के फोटो ये वो हम दोनों के बारे में, मैं कोई बात नहीं कर सकती मीडिया पे। हाँ, पर्सनली मैं कोई अपनी चीजें नहीं डाल सकती उस पे। तो मैंने इसके लिए एक दूसरा रास्ता सोच लिया था जो कि सिद्ध हो गया। मैं उत्तर कोल्हापुर में खड़ी हो गई, वहाँ मेरा पर्चा सिलेक्ट हो गया, उसमें भी पूरी टीम बिठाई थी कि मेरा पर्चा सिलेक्ट ना हो, पर सांच को आँच नहीं, सत्य के साथ स्वयं भगवान खड़े हुए थे। और अभी मैं ये कोर्ट में भी उन्होंने सब झूठ झूठी लिख के दिया है, हर चीज सब इतना झूठ झूठ कर रहे हैं हर बात को।